हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में टेक्निकल स्टॉकर। तो आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में, देखेंगे कि क्या ये बेस्ट टाइम है इसमें फ्रेश एंट्री लेने का, क्या अभी हम जो है शेयर को बाय करें या ना करें, ये शेयर कहां तक जा सकता है, इसके टारगेट प्राइस क्या रहेगा, उसके ऊपर आज हम जो डिस्कस करेंगे। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई है एक्विजिशन के ऊपर, जो कंपनी जो है एक इंडियन टेक एड टेक कंपनी को जो कंपनी एक्वायर कर रही है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये शेयर कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर आज हम जो सारे को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, तो इस शेयर का प्राइस लगभग 138.90 रुपये चला है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इस शेयर के ऊपर बात करूँ तो लगभग कंपनी ने जो एक साल में 3271% का जो रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कंपनी जो है मल्टी बैगर रिटर्न जो है दे चुकी है कंपनी। तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ, इस शेयर के ऊपर लगभग मैंने काफ़ी ज़्यादा 10-15 वीडियो मैंने इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी और आपसे कहा था कि जितना हो सके उतना इस शेयर को बाय कर लें, आने वाले समय में आपको ये शेयर मल्टीपल रिटर्न देगा। तो आप जाकर खुद देख सकते हैं मैंने अपने चैनल पर कितनी आता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखने तो लगा था मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप की हर महीने हर हफ्ते मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली थी और आपसे कहा था कि जितना हो सके उतना इस शेयर को बाय कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार मैंने कितनी ज़्यादा वीडियो डाली थी और मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना हो सके इस शेयर को बाय कर लें। अगर हम देखें तो उस टाइम जो बीच में काफ़ी ज़्यादा लो सके देखने को मिला था, तो उस टाइम भी मैंने आपसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं लगातार वीडियो डाली थी, चाहे उसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिल रही थी उस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमेंट आ रही थी ये शेयर जो अब नीचे जाएगा, कि फिर से ये शेयर जो रिटर्न अच्छा खासा नहीं देगा, इस शेयर को सेल कर दें। लेकिन मैंने आपसे वीडियो में क्या कहा था, आप मेरे चैनल पर अगर देख सकते हैं, अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस शेयर को जो है होल्ड करके रखें। यही एक टाइम होता है कि यहाँ पर जो आपको पेशेंस रखना है, यही एक टाइम होता है आप यहाँ पर पेशेंस रखना है। अगर आपको इतना ज़्यादा बढ़िया रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको इस टाइम पर आपको पेशेंस रखना होगा, शेयर को होल्ड करके रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आप जो इतना ज़्यादा मुनाफा है, इतना ज़्यादा जो रिटर्न है 3271% का, तभी आपको ये रिटर्न जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे डर के मारे शेयर को यहाँ पे अगर सेल कर देते तो आप यहाँ ये जो रिटर्न है वो आप नहीं ले पाते। तो मैं वही चीज़ कहने वा रहा हूँ कि अगर कंपनी स्ट्रांग है और कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशली स्ट्रांग है और कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, तो इस शेयर को आप होल्ड करके रखें, पेशेंस रखें, आने वाले समय में वो शेयर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देगा। एंड साथ साथ कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है, कंपनी के पास बिल्कुल भी जो है डेब्ट नहीं है एंड कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें तो कंपनी जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग कंपनी के जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, चाइना, इंडिया, यूके, मेक्सिको, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड तक में कंपनी के जो है हेडक्वार्टर हैं। और हमें यहाँ पर देखा सेप्टेम्बर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मज़े कर दिए थे, काफ़ी ज़्यादा अपने प्रॉफिट को जो है कंपनी ने डबल कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर, काफ़ी ज़्यादा कंपनी परफॉर्म करती आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक न्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें ब्राइटकॉम ग्रुप में, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो कंपनी की जो है एक एनुअल जनरल मीटिंग जो होने वाली है 9 दिसंबर 2021 को, जिसमें कंपनी जो कुछ रिलेटेड अपना मैटर से रिलेटेड कुछ जो है डिस्कस करेगी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी जो है इंडियन एड टेक फर्म को जो है एक्वायर करने की सोच रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है जैसे ही कंपनी जो है इंडियन एड टेक फर्म को जो एक्वायर करेगी, जो कि इससे रिलेटेड जो भी जो एक्वायर कर लेगी, तो उसके बाद जो है कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करा देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फर्दर डिटेल होगी एक्विजिशन से रिलेटेड वो जो है बाद में जो है आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो इंडियन एड टेक फर्म को जो एक्वायर करने की सोच रही है, एक्वायर करेगी, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी है। इस शेयर को बिल्कुल अपने हाथ से जाने ना दें। एंड जैसे कि अगर हम बात करें अभी कि क्या अभी जो है शेयर को बाय करना चाहिए, क्या अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, तो ये मौका आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अभी आप जो शेयर में फ्रेश एंट्री ले रहे हैं बहुत ज़्यादा सही टाइम है आपके लिए फ्रेश एंट्री लेने का। एंड मैंने तो आपसे पहले भी कहा था इस शेयर के ऊपर कि इस शेयर को बाय कर लें, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ते में ये शेयर था। और अब आप खुद देख सकते हैं इस शेयर का प्राइस कहाँ तक पहुँचा है, कितना ज़्यादा महंगा हो गया। मैंने पहले ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अभी बाय नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा महंगे पर मिलेगा। अभी भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मौका है इस शेयर को बाय करने का।
ये शेयर आपको बहुत ही जल्दी 200 रुपये पर पहुँचता हुआ नज़र आएगा। जितना हो सका उतना इस शेयर को बाय कर लें, बिल्कुल इस शेयर को मिस ना करें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंपनी है, बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अपनी मार्केट कैपिटल को $1 बिलियन जो है हिट कर चुकी है, जैसा कि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। मैं आपको हर एक चीज़ जो अपडेट से ले हर एक अपडेट जो आपको मैं अपने चैनल पर जो आपके लिए देता रहता हूँ, आपने इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ऐसी लेटेस्ट अपडेट रखने के लिए। और मैं आपको बताऊँ इससे ऐसे ही मैं आपके लिए शेयर लाता रहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्राइडेंट शेयर के ऊपर भी मैंने बताया था आपको कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप देख सकते हैं, वो भी जो अब तक मल्टी वेगा रिटर्न दे चुका है। आप जाके मेरे चैनल पर खुद देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो जो है काफ़ी बनाई थी। तो इन स्टॉक को बिल्कुल अपने हाथ से जाए ना दें, इन स्टॉक को जो है होल्ड करके रखें, पेशेंस रखें। मैं आपको एक फिर से आपको जो एक और बात मैं बता देता हूँ कि अगर आपको रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े चाहिए और आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको सबसे मेन चीज़ है आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने खुद इसके एक साल के चार्ट मैंने आपको यहाँ पे खोल के दिखाया है, तो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो ये शेयर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो बीच में ऊपर गया था, फिर नीचे इसमें आया था, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो करेक्शन आती है, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग होती है, कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं मार्केट के, तो उसकी वजह से जो इसमें थोड़ी बहुत जो गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो इस चीज़ से डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और शेयर को जो है सेल कर देते हैं, अपने छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करके ही वो जो है निकल जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता जो आने वाले समय का जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा, जो रिटर्न होगा, वो आप मिस कर रहे हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, हर कंपनी स्ट्रांग है, हर कंपनी बढ़िया है, कर्ज नहीं है बिल्कुल कंपनी के पास, कंपनी का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट में है कंपनी। तो उस शेयर को होल्ड करके रखें, पेशेंस रखें, आने वाले समय में वो शेयर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मुनाफा देकर जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने जो इससे रिलेटेड और जो है मैं अगर आप देखें तो मैं जो है लगातार जो इस शेयर के ऊपर जो अपडेट आपके लिए मैं देता रहा था कि इस शेयर को जो है बिल्कुल ही सेल ना करें, आप जाके मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर अब दिखाऊँ तो आप देखें, मैं लगातार इस शेयर के ऊपर जो अपडेट देता रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार मैंने जो इस शेयर के ऊपर अपडेट दिया था, मैंने आपसे कहा था कि इस शेयर को जो है बिल्कुल भी जो है ना छोड़ें। आप देख सकते हैं लगातार मैंने इस शेयर के ऊपर जो अपडेट देता गया हूँ, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं आपके लिए जो है लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लगातार देता रहूँगा। और अगर आपको किसी शेयर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट, आपके लिए मैं जो उसके लिए उसके ऊपर जो आपके लिए मैं वीडियो बिल्कुल लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे जो मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी बड़े बड़े वीडियो लाने के लिए, ऐसी बड़े बड़े शेयर लाने के लिए जो आपको मल्टी वगैरह रिटर्न देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।